तो फ्रेंड्स आ गई मैं भी वोट डालकर, और अपने दिखाना गौरव भी पहले आ गए वोट डालकर, और तू क्यों आया रियाज? तो रियाज भी बोल रहा था कि मैं भी वोट डाल के आऊंगा, मगर पहले 18 साल का तो हो जा। चलो मैं जा रही हूँ पूरा एक महीने के लिए रुकने के लिए, ये लगा लो जब से मेरी शादी हुई है, मतलब 14 साल हो गए, 14 सालों में मैं पहली बार रुकूंगी पूरा एक महीना। और वो एक महीना मैं क्यों रुकूंगी, क्योंकि इस बार होने वाला है छोटा बेबी हमारे घर, छोटा बेबी। हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज सुबह की व्लॉगिंग मैं शुरू कर रही हूँ लंच टाइम से। आज अभी मैं बना रही हूँ लंच, और आज लंच में बना है पूरी, पेठे की सब्जी, हलवा और रायता। बस अब जल्दी से फटाफट बनाकर फिर हम जाने वाले हैं आज वोट डालने के लिए। और आज मुझे तो बल्कि बहुत सारे काम है, पूरे दिन में काफ़ी बिजी हूँ। आज मुझे वोट डालने जाना है, मुझे अपनी और रियांश के स्कूल में भी जाना है, और आज से मैं अपनी पैकिंग भी शुरू कर दूंगी घर जाने के लिए। और हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो सारा काम खत्म हो गया, अब मैं जा रही हूँ वोट डालने के लिए। गौरव तो बल्कि डाल के भी आ गए हैं, अब मेरे को लेके जा रहे हैं और मम्मी को लेके जा रहे हैं। देखते हैं वहाँ कितनी भीड़ है, और आज तो बहुत ज़्यादा गर्मी। और ये देखिए फोन से निकल आई, चलो चलते हैं। रियांशु, रियांश तू भी वोट डालेगा? ये देख कितनी गर्मी लग रही है। Later. तो फ्रेंड्स आ गई मैं भी वोट डालकर, और अपने दिखाना गौरव भी पहले आ गए वोट डालकर, और तू क्यों आया रियाज? तो रियाज भी बोल रहा था कि मैं भी वोट डाल के आऊंगा, मगर पहले 18 साल का तो हो जा, और मम्मी को लगेगा अभी काफी टाइम, क्योंकि मम्मी की रूम में है बहुत ज्यादा भीड़। मेरा तो आ गया था 15 मिनट में ही नंबर, और गौरव, सौरव और गौरव के फ्रेंड्स वगैरह पहले ही डाल के आ गए थे वोट, अब गौरव हमें लेके आए हैं। और आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा। अब देखो मम्मी कब तक आती है, फिर जाएंगे हम घर पे भी। तो फ्रेंड्स वोट डालकर मैं आ गई थी, और आने के बाद इतनी तेज़ गर्मी लग रही थी, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैंगो शेक बना लिया जाए। अब जल्दी से मैंगो शेक बनाकर फिर मैं जाऊंगी स्कूल में, क्योंकि स्कूल से कॉल आ गया था कि बच्चों की मतलब कॉपी है वो स्कूल में ही रह गई है, और क्योंकि अचानक से छुट्टी कर दी थी, मतलब पहले लेट कर रहे थे, फिर दो दिन पहले ही छुट्टी कर दी गर्मी ज़्यादा पड़ने के चक्कर में। तो इसीलिए हम जा रहे हैं स्कूल में कॉपी वगैरह लेने के लिए। तो फ्रेंड्स अभी स्कूल से हमने ले ली है नोटबुक, क्योंकि बच्चों की स्कूल में ही रह गई थी। चलते हैं हम घर पे, दोनों बच्चों की रह गई थी स्कूल में ही, और स्कूल से फिर आया था मैसेज, इसीलिए हम लेके आए थे। ये लो इतनी सारी कॉपियाँ थी, अभी उनमें से इतनी मुश्किल मतलब 15 मिनट लगे ढूंढते ढूंढते। चलो फ्रेंड्स अब शाम हो गई है, शाम को मैं बना रही हूँ नींबू पानी। नींबू पानी के लिए मैंने लिया है पुदीना, नींबू,
इलायची, काला नमक और खांड, ये सब चीज़ें ली हैं। और हाँ, एक दो मतलब काली मिर्च और काला नमक, ये सब मिक्स करके मैं बनाऊंगी नींबू पानी। तो आप भी घर पे ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। और बाहर का हाल तो बहुत ही बुरा है, बहुत ज़्यादा आंधी आ रही है। मतलब थोड़ी देर के लिए बाहर गई, पूरा शरीर ऐसा हो गया चिपचिपा सा, पूरा रेत रेत लग रहा है फेस पे। तो पहले मैं नींबू पानी बना देती हूँ, उसके बाद देखो आज क्या बनता है डिनर में। अभी फ़िलहाल कुछ नहीं सोचा है। और ये नींबू पानी बनेगा मेरा मिक्सी में, क्योंकि अगर मिक्सी में बनाती हूँ और फिर ये जो पुदीना है हमारा, ये भी अच्छी तरह पिस जाता है। फिर पानी तैयार है, जिस जिसको पीना है प्लीज आइए और पी लीजिए। और हमारा मतलब पूरा जग भर के बन गया अभी इतना नींबू पानी। गौरव तो इसे बोलते हैं गन्ने का रस, ये तो बिल्कुल गन्ने का रस बनाती है। प्रियांशु कहाँ गया? तो फ्रेंड्स, अब इतनी गर्मी में बच्चों के वही ड्रामे शुरू हो गए हैं, क्योंकि छुट्टियां पड़ चुकी हैं। अब बोल रहे हैं रोटी नहीं खानी, मेरे लिए डोसा बनाओ, अब इनके लिए बन रहा है डोसा। सबके लिए अलग, बच्चों के लिए अलग। तो अब रियांश के लिए, अपने के लिए बना है डोसा सांभर चटनी, और सबके लिए दाल रोटी बनी है। और गर्मी में हालत हो रखी है बहुत ही ज़्यादा बुरी। तो फ्रेंड्स, रात के बज गए हैं 10, और एक चीज़ दिखाती हूँ आपको। देखिए पीछे कुछ कपड़े हैं, यहाँ मैंने बैग में निकाल दिया है। अब मैं तीन चार दिनों में जाऊँगी अब मैं घर, और इसीलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे पैकिंग कर रही हूँ। कभी कुछ सामान भूल ना जाऊँ, जो सामान याद आ रहा है वो रख रही हूँ, क्योंकि इस बार लगा लो मैं जा रही हूँ पूरा एक महीने के लिए रुकने के लिए। ये लगा लो जब से मेरी शादी हुई है, मतलब 14 साल हो गए, 14 सालों में मैं पहली बार रुकूंगी पूरा एक महीना। और वो एक महीना मैं क्यों रुकूंगी, क्योंकि इस बार होने वाला है छोटा बेबी, हमारे घर छोटा बेबी आने वाला है। तो इसीलिए मैं रुकूंगी पूरा अब एक महीना, 14 सालों में पहली बार रुकूंगी पूरा एक महीना, वरना आज तक मैं अब तक नहीं रुकी हूँ इतना। तो इसीलिए अभी तो फिलहाल थोड़ा ही लोवर टी शर्ट वगैरह रखे हैं, धीरे धीरे जो सामान याद आ रहा है वो ही रख रही हूँ। अभी तो इतनी जल्दी है नहीं, 3-4 दिन अभी है, तो आराम से अब पैकिंग वगैरह कर रही हूँ। और बच्चे भी नीचे खेल रहे हैं, अपना होल्ड होमवर्क करने लग रहे हैं धीरे धीरे। मैंने सोचा कि मतलब इतने घर जाएं तो इतने बच्चे भी अपना होल्ड होमवर्क सब ख़त्म कर लें, क्योंकि फिर 8 जुलाई से एग्ज़ाम भी शुरू है, स्कूल खुलते ही मतलब एक हफ़्ते बाद एग्ज़ाम भी शुरू है, तो वहाँ पर जाकर इनकी तैयारी भी करवानी है एग्ज़ाम की। तो इसलिए सोचा कि इतने कुछ तो अपना होल्ड होमवर्क कर ले। तो रियांश का तो कंप्लीट हो चुका है होल्ड होमवर्क, बस अवनिका ही है। अवनिका इतने जो ख़त्म करती है, इतने मैम और भेज देती है, मतलब ये लगा लो अवनिका बहुत ही ज़्यादा होल्ड होमवर्क दिया है। पर कोई नहीं, अवनी लगी हुई है अपना होल्ड होमवर्क करने में, मतलब हेल्प ले रही है अपनी ट्यूशन वाली दीदी की, और वो ही जल्दी फटाफट करवा रही है इनका होमवर्क। और बल्कि अब इतनी गर्मी बढ़ गई है, बाहर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। अब देखो भाई इतनी बुरी गर्मी में कैसे क्या करेंगे। तो चलो कोई नहीं, भाई बुआ बनने वाले हैं, चा चढ़ रहा है, तो बस 4-5 दिन की बात और है, फिर हम भी घर चले जाएंगे। और फिर गुड न्यूज़ आ जाएगी, वो भी हम आपको बता देंगे कि क्या गुड न्यूज़ आई है और हम कैसे क्या करते हैं। तो वो भी सब आपको मैं पूरा व्लॉग दिखाऊंगी, क्या मस्ती चलती है मेरी मायके में। अभी तो फ़िलहाल मैं यहीं हूँ। तो अभी मैं डेली व्लॉग इसलिए नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि
वो ही इतनी गर्मी है, बस जल्दी से फटाफट किचन का काम करा और अपना एसी में बैठ गए और ऐसा कुछ खास है नहीं, तो इसीलिए मैं भी कुछ ज़्यादा इतने व्लॉग बना नहीं रही। लेकिन हाँ, मैं कोशिश करूँगी कि जब मैं घर जाऊँ डेली डेली व्लॉग डालूँ। अगर किसी दिन ना डाल पाऊँ तो समझ जाना कि गर्मी की वजह से ही बहुत ज़्यादा परेशान है। तो इसीलिए अब मैं सोच रही हूँ बस घर जाकर ही जल्दी से फटाफट गुड न्यूज़ आ जाए, फिर हम घर जाएँ और आपको भी गुड न्यूज़ मैं दे दूँ जल्दी से। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।